नमस्कार दोस्तों, विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplan.com के YouTube चैनल में। ग्रुप मेडिक्लेम के संदर्भ में हमने जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन की सीरीज चालू की है, उस सीरीज का यही वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर मेरे पास ग्रुप मेडिक्लेम मेरी कंपनी ने दे के रखा है तो वो ऑल ओवर इंडिया चलता है, ये एक पहला सवाल है। कहां कहां पे चलता है एक सवाल है। उसका नेटवर्क हॉस्पिटल जो कैशलेस के लिए लगता है, नेटवर्क हॉस्पिटल का जो लिस्ट है वो मुझे कहां पे मिल सकता है, ओके। और अगर मेरा कैशलेस क्लेम नहीं होता तो क्या होगा, मुझे रीइंबर्समेंट में कैसे करना है। तो इस वीडियो में जान लेंगे ये सब तीनों सवालों का जवाब। आखिर तक वॉच कीजिए, वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रह सकता है। सबसे पहले आपने अगर आपकी कंपनी ने अगर आपको ये ग्रुप मेडिक्लेम दिया नहीं है तो आपकी कंपनी में एचआर में या जो ऊपर के ऑफिसर्स है उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि ये फैसिलिटी वो एडॉप्ट करे, ताकि सभी एम्प्लॉयज को, अगर एचआर भी हो तो भी वो भी एक एम्प्लॉय है, डायरेक्टर भी एक एम्प्लॉय है, उसको भी ये इसकी फैसिलिटीज का फायदा मिले और आपको भी मिले, ओके। तो चलते इस वीडियो को आगे बढ़ाते। दोस्तों, हर एक कंपनी की अपनी वेबसाइट पे लिस्ट देके रखी है सबने नेटवर्क हॉस्पिटल्स की, क्योंकि कैशलेस ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। पहले क्लेम करो फिर बाद में पैसे कंपनी से रीइंबर्समेंट के लिए भागो, इससे अच्छा कि हम लोग कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके डायरेक्ट कैशलेस अगर क्लेम करें तो कंपनी हॉस्पिटल को बिल पे करती है, हमें पैसे किससे जेब से निकालने नहीं पड़ते, ओके। तो इसकी जो लिस्ट है, अगर टीपीए हो, थर्ड पार्टी असिस्टेंस कंपनी ने दिया हो आपके क्लेम के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई यूनाइटेड इंडिया की पॉलिसी है, न्यू इंडिया की पॉलिसी है, कोई भी कंपनी की पॉलिसी आपके कंपनी ने ली है, लेकिन उन्होंने टीपीए लिया है, मेडी असिस्ट हो, पैरामाउंट हो, एमडी इंडिया हो, तो वो उनका उनका जो भी ऑल ओवर इंडिया में हॉस्पिटल्स के साथ टाइप रहता है, तो उनके वेबसाइट पे भी आपको लिस्ट मिलेगी और कंपनी के वेबसाइट पे भी आपको लिस्ट मिलेगी। आपके पास अगर कैशलेस कार्ड होगा तो भी मिलेगी, आपको एक लॉगिन मिल सकता है आजकल, ओके। बहुत एडवांस टेक्निक हो चुकी है, आप अगर कॉल करेंगे और पिन कोड बताएंगे कॉल सेंटर को तो भी आपको हॉस्पिटल की लिस्ट, वहां के हॉस्पिटल की लिस्ट आपको पता लगने वाली है। ये होगी बात नेटवर्क हॉस्पिटल्स के बारे में, ओके। दूसरा सवाल लेते हैं कि अगर मेरा क्लेम जो है वो कैशलेस नहीं हो पाता तो मैं क्या करूं, रीइंबर्समेंट हो सकता है, हाँ यस हो सकता है। उस केस में आपको आपके पास जो हेल्थ कार्ड दिया गया कैशलेस कार्ड, या आपके पास अगर पॉलिसी का कॉपी हो, या अगर आपके पास उनका नंबर हो, तो आपको एज एन एम्प्लॉय पहले इंटीमेट करना है कि मेरा खुद का ऐसा एक्स वाई जेड ऑपरेशन होने वाला है, हो रहा है, आपके घर के रिश्तेदार अगर कॉल करेंगे तो भी चलेगा। एज एन एम्प्लॉय आपको कंपनी को इंटीमेट करना कि एक्स वाई जेड क्लेम इज गोइंग टू बी हैपन, उसका इतना इतना खर्चा है, ताकि वो अपना इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चालू करे। जैसे ही आपका हॉस्पिटलाइजेशन खत्म हो जाता है वैसे ही आपको पूरा पूरा जो हॉस्पिटल का जो डिस्चार्ज समरी है, पूरे बिल्स है, वो सब इकट्ठा करने हैं, ओरिजिनल बिल्स सभी सब कुछ आपको कंपनी में क्लेम फॉर्म के साथ। क्लेम फॉर्म आपको कहां पे मिलेगा, वेबसाइट पे मिलेगा, टीपीए के या इंश्योरेंस की वेबसाइट पे क्लेम फॉर्म मिलेगा। फिर आपको ने जो शुरू में इंटीमेट किया था तो इंटीमेशन नंबर रहेगा, वो भी वहां पे काम आएगा, ओके। आपके इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट जैसे कंपनी का आईडी कार्ड, ओके, आपका कैशलेस कार्ड, आपका फोटोग्राफ, कैंसिल चेक, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी प्रूफ, ये सब आपको जोड़ना है। और आपको अगर आपने ठीक ठाक सभी पेपर जोड़ दिए तो लगभग 15 से 30 दिन के अंदर आपको एक क्लेम रीइंबर्समेंट में मिल सकता है, ओके। तो ये दो बातें थी। और जो हमारा एक तीसरा सवाल था कि भैया ये जो क्लेम है ये ऑल ओवर इंडिया में है क्या, तो यस, ऑल ओवर पैन इंडिया में इसका क्लेम चलता है, कैशलेस क्लेम। ऐसा नहीं कि मेरी कंपनी पुणे में है, मैं अगर बैंगलोर में गया हूं वहां पे एडमिट हो गया तो नहीं चलेगा, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आप क्लेम ले सकते हो। ग्रुप मेडिक्लेम के हमारे सभी वीडियोस को वॉच कीजिए, और अगर आपको ये पसंद आ गया वीडियो तो जरूर लाइक शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।